वे 40 साल से वाड़ी में एकताल लोकल टेम्पो की ओर से एक ट्रक पार्किंग पर लगा रहे हैं, जिससे हजारों लोगों को पोषण की राहत मिल रही है। परंतु सीपी अमितेश कुमार ने अवैध पार्किंग हटाने का आदेश देने के बाद दिन ब दिन टेम्पो धारकों की हालत खराब होती दिखाई दे रही है। इस संदर्भ में जाने क्या कहते हैं लोकल टेम्पो मालक व ड्राइवर। वाड़ी से सौरभ पाटिल की स्पेशल रिपोर्ट। बीते पिछले 40 साल से लगातार वाड़ी में पार्किंग में एकता टेम्पो हब के तौर पे यहाँ लोकल टेम्पो लगते आ रहे हैं, लेकिन उसी साथ में सीपी अमितेश कुमार ने यह आदेश निकाला है कि शहर में कोई भी यहाँ पे अवैध पार्किंग नहीं करेगा। लेकिन जो कार शोरूम है, ये कितने सालों से यहाँ पे पार्किंग कर रहे हैं, लेकिन वो तो कार शोरूम है, उनका तो ये परचेस कर सकते हैं जगह, लेकिन ये तो एक लोकल टेम्पो है जिसके कारण में यहाँ पे जो टेम्पो चालक है, मालक है, वो तकरीबन कम से कम 1000 लोगों का यहाँ पे पालन पोषण कर रहे हैं। और उसी साथ में यहाँ पे लोकल शहर के जो लोकल लोग हैं, यहाँ पे लोकल टेम्पो लगाते हैं, पार्किंग करते हैं। फिर इसके बाद में भी सीपी अमितेश कुमार साहब क्यों इनके ऊपर में कार्रवाई करने के लिए ये पर्याप्त इनका भूमिका निभा रहे? अपने साथ में यहाँ पे एकता लोकल टेम्पो के यहाँ पे पदाधिकारी हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या मांगनी है और उनका क्या समस्या है, क्या बताएंगे आप? एक तो सबसे पुराना स्टैंड यहाँ पे नागपुर के अंदर में ये वाड़ी का लोकल स्टैंड है। यहाँ पे 40 से 50 साल पहले से यहाँ पे टेम्पो यहाँ पे खड़े रहते हैं। जैसा नागपुर में घाट रोड है, मुंबई थाना में बालकुम नाके भी जैसे स्टैंड है, ऐसे यहाँ पे लोकल व्यवसाय गांव के यहाँ के स्थानीय रहवासी यहाँ पे व्यवसाय करते हैं। और पिछले एक दो महीने से यहाँ पर जो ट्रैफिक विभाग है वो अननेसेसरी रोड की ट्रैफिक क्लियर करने से ज़्यादा हमारे जो वाहन है स्टैंड को हटाने की ज़्यादा उनको पड़ी है, ऐसा लग रहा है। शायद उनको ऊपर से आदेश है या जो भी है, लेकिन ऊपर के लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि यहाँ पे जो व्यवसाय करने वाले जो स्थानीय लोग है, गाँव के लोग जाएंगे कहाँ? तकरीबन कितने लोकल टेम्पो यहाँ पे लोकल स्थानीय लोगों के खड़े होते होंगे और कितने लोगों का यहाँ पे पालन पोषण होता होगा, क्या बताएंगे आप? सर, एक छोटी सी बात मैं बोलता हूँ, मेरा खुद का प्लाट है वाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने, मेरी गाड़ी वाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी थी, वहाँ जबरदस्ती के चलान करके गए साहब, मेरी गाड़ी का प्लाट के अंदर गाड़ी थी, ना कि हाईवे पे थी गाड़ी। आना सने साहब, आप क्या बताएंगे इस विषय पे? एक्चुअली कैसा है कि ये हमारा जो गांव है, पुराना गांव है, यहाँ गलियां जो है तंग गलियां है और हर गली के लोग यहाँ पे व्यवसाय करते हैं। तकरीबन यहाँ पे 1000 लोग यहाँ पे व्यवसाय करते हैं, छोटे बड़े टेम्पो पकड़ के यहाँ पे 1000 गाड़ियाँ है। और ये जो गाड़ियाँ गाँव के अंदर गली के अंदर तो लगा नहीं सकते, एक तो प्रशासन ने हमको पर्यायी व्यवस्था करके देना चाहिए, अदरवाइज हम जहाँ खड़े हैं ऐसे यहाँ पे तो कोई ट्रैफिक को कोई तकलीफ नहीं है। अभी आप देख रहे हैं इतना बड़ा रोड है, दोनों तरफ से रोड चालू है, कहीं पे भी कभी यहाँ पे जिंदगी में आज तक हमने यहाँ पे जाम नहीं देखा। MITC टर्निंग पे जाम देखा, काटोल बाईपास पे जाम देखा, नाके के आसपास जाम देखा, लेकिन यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहने के बाद में भी हमने कभी यहाँ जाम होने नहीं दिया और यहाँ जाम होता नहीं। हमारी जो गाड़ियाँ सब रोड के किनारे खड़ी रहती है, कोई घर शिफ्टिंग रहता है, कोई सेंटरिंग है, कोई जो है वो जो हमारे जो व्यापारी है हमें यहाँ ढूंढते हुए आते हैं और हम यहाँ से व्यवसाय करेंगे, हम गाँव छोड़ के जाएंगे कहाँ? प्रशासन ने तो सबसे पहले हम जो 4-5 हज़ार लोगों के ऊपर जो उपास भुखमारी की आज कोरोना का काल है और ऐसी परिस्थिति है कि व्यवसाय ठीक ढंग से नहीं है, ऊपर से ये जो कार्रवाई जो कर रहे हैं, ये गाड़ियाँ हटाने की हमारी वाली, ये तो हमारे पेट पे ऊपर लात मारने की जैसी बात है। अगर ऐसी अगर परिस्थिति आई तो हम रोड पे हमारी जान देने को हम मजबूर हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक हमको प्रशासन हमारी पूर्ण व्यवस्था करके देते नहीं, तब तक प्रशासन ने हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। और अपने साथ में यहाँ पे प्रशासन ने पर्याप्त उपाय योजना करने को ना, और इसी साथ में अपने साथ में महाराष्ट्र वाहतूक सेना के पदाधिकारी, आप क्या बताएंगे संतोष भाई? उसके बाद में बोला, जय महाराष्ट्र। मी पण एक ट्रान्सपोर्ट व्यवसायी आहे आणि हे विदर्भ आपला पूर्ण देशाचं क्रॉसिंग सेंटर नागपूर असल्यामुळे वाडी येथे मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय आहे, त्यामुळे लोकल गाड्यांसाठी वाडीत या 40 ते 45 वर्षापासून लोक रोडच्या साईडला लावून गाड्यांचं स्टँड चालवत आहे, जसं घाट रोडला आहे, मुंबईमध्ये प्रत्येक जागी आहे, तुमचं काय म्हणतात त्याला गांधीबागमध्ये सुद्धा स्टँड दिलेलं आहे, तसंच हे वाडीचं सुद्धा स्टँड आहे। पण ह्या स्टँडमुळे ट्रॅफिकला अडथळा न होता ट्रॅफिकवाले हेतुपुरस्पर ह्या ज्या गाड्यावाल्यांना त्रास देत आहे हा त्रास कुठंतरी थांबला पाहिजे, आणि प्रशासनाला अगर असं वाटतं आहे का याच्यामुळे त्रास होते आहे तर पर्यायी व्यवस्था पण करून द्यायला पाहिजे।
अपने साथ में और यहाँ पे पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस संदर्भ में। आम्ही ह्या ट्रक असोसिएशनच्या वतीने सर्वपक्षीय लोकांनी सन्माननीय मंत्री महोदय सुनीलजी केदार यांच्याकडे ही समस्या आम्ही मांडली आणि त्यांनी सन्माननीय जे आपल्या नागपूरची सी पी आहे त्यांच्यासोबत एक तातडीची बैठक लावायचा त्यांनी निर्देश दिले। मला वाटते आता एक दोन दिवसामध्ये ती बैठक लागणार आहे। तत्पूर्वी आम्ही ह्या क्षेत्राचे जे खासदार आहे त्या कृपाल तुमालेजी त्यांनासुद्धा आम्ही इथली परिस्थिती झाली 40 ते 45 वर्षापासून हा जो इथला व्यवसाय आहे आणि कमीत कमी एक 1000 परिवार म्हणजे 5000 लोक ह्या जर असं ट्रॉफिकचं जर यांना दिक्कत असली तर खूप मोठं नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येईल। आणि नागपूर आणि वाडी जसं देशाचं नागपूर सेंटर आहे तसं हे देशाचं एक आमच्या वतीने सर्वपक्षीय लोकांनी सन्माननीय मंत्री महोदय सुनीलजी केदार यांच्याकडे ही समस्या आम्ही मांडली आणि त्यांनी सन्माननीय जे आपल्या नागपूरची सी पी आहे त्यांच्यासोबत एक तातडीची बैठक लावायचा त्यांनी निर्देश दिले। मला वाटते आता एक दोन दिवसामध्ये ती बैठक लागणार आहे। तत्पूर्वी आम्ही ह्या क्षेत्राचे जे खासदार आहे त्या कृपाल तुमालेजी त्यांनासुद्धा आम्ही इथली परिस्थिती झाली 40 ते 45 वर्षापासून हा जो इथला व्यवसाय आहे आणि कमीत कमी एक 1000 परिवार म्हणजे 5000 लोक ह्या जर असं ट्रॉफिकचं जर यांना दिक्कत असली तर खूप मोठं नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येईल। आणि नागपूर आणि वाडी जसं देशाचं नागपूर सेंटर आहे तसं हे देशाचं एक ट्रान्सपोर्ट हब आहे आणि 40-45 वर्षापासून हे ट्रान्सपोर्ट हब वाडी म्हटलं तर कुठेही दिल्ली मुंबई कलकत्ता कुठेही वाडीचं नाव आहे। जर इथे मी तर पाहून राहिलो 40 ते 45 वर्षापासून का इथं ट्रॉफिकला कुठलंही अडचण होत नाही, तरी पण काही विशिष्ट प्रकारचे लोक एक वेगळ्या पद्धतीचं भूलथापा देऊन हे हब हटवण्याचा खूप मोठा षडयंत्र कुणीतरी करताय अशी आम्हाला भीती आहे। म्हणून जे काही 5000 लोक बेरोजगार होतील ते रोजगार आपण थांबवण्याकरिता आणि जेव्हा जेव्हा असं कुठं वाटलं ती दक्षता किंवा एखाद्या वेळेस खूप इथनं ट्रॉफिक मुंबईचं ट्रॉफिक जाते जेव्हा कुठं यांना जेव्हा संघटनेला म्हणतात तसं ट्रॉफिकसाठी ते मदत करतात। जर असं कुठं वाटलं खूप एखाद्या वेळेस की नाही बा आज एक दोन दिवस ट्रॉफिकचंही आहे तर ते व्यवस्था करतात प्रशासनाला सहकार्य। और अपने साथ में यहाँ पे एक तो ट्रांसपोर्ट के यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्ते हैं, तो आप हम उनसे भी जानेंगे आपकी क्या राय इस संदर्भ में। हमारा इनको गवर्नमेंट को कोई तकलीफ नहीं है, गवर्नमेंट को तकलीफ ऐसी नहीं है। हमारा गाड़ा पूरा साइड में खड़ा रहता है, आज से नहीं 45 साल से तीनों चारों पंप चालू थे, गुलशन पंप अपना भाटिया पंप और कैलाश पंप श्री कृष्णा पंप। इसके बाजू में पहले से मेटाडोर का जमाने से 2.85 रुपये डीजल था, तब से हम लोग खड़े हैं। आज 2.85 रुपये कुछ लोगों नेता ने भी नहीं दिखा होगा 2.85 रुपये डीजल, तब से हम खड़े हैं। ये ऑल ओवर इंडिया का क्रॉसिंग सेंटर है, आज तक यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं मिली क्या जो क्रॉस पार्किंग के लिए कोई नेता ने जगह दिया होगा करके। हम जाएंगे तो जाएंगे, गाँव का व्यवसाय ही है ट्रांसपोर्ट का, बाकी दूसरा कोई व्यवसाय नहीं। एक MRTC थी वो भी बंद गिरा दिया है, जो कुछ MRTC के लोग तो अपने अपने गांव चले गए या शोरूम लेके बैठे पूरे MRTC रूट पे, वहाँ कोई तकलीफ नहीं लोगों को। खाली लोगों को या गाड़ी जो है ना बेरोजगार है उनको ही तकलीफ है गाड़ी वाले की, बाकी किसी की तकलीफ नहीं होती। ट्रैफिक या जाम नहीं होता लेकिन उनको वसूली करना है, वसूली के लिए अपना 3 बार हटा गाड़ी था, ये करेंगे वो करेंगे कार्रवाई कितने पूरा साइड में खड़ा रहते हैं। आज से नहीं 45 साल से तीनों चारों पंप चालू थे, गुलशन पंप अपना भाटिया पंप और कैलाश पंप श्री कृष्णा पंप। इसके बाजू में पहले से मेटाडोर का जमाने से 2.85 रुपये डीजल था, तब से हम लोग खड़े हैं। आज 2.85 रुपये कुछ लोगों नेता ने भी नहीं दिखा होगा 2.85 रुपये डीजल, तब से हम खड़े हैं। ये ऑल ओवर इंडिया का क्रॉसिंग सेंटर है, आज तक यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं मिली क्या जो क्रॉस पार्किंग के लिए कोई नेता ने जगह दिया होगा करके। हम जाएंगे तो जाएंगे, गाँव का व्यवसाय ही है ट्रांसपोर्ट का, बाकी दूसरा कोई व्यवसाय नहीं। एक MRTC थी वो भी बंद गिरा दिया है, जो कुछ MRTC के लोग तो अपने अपने गांव चले गए या शोरूम लेके बैठे पूरे MRTC रूट पे, वहाँ कोई तकलीफ नहीं लोगों को। खाली लोगों को या गाड़ी जो है ना बेरोजगार है उनको ही तकलीफ है गाड़ी वाले की, बाकी किसी की तकलीफ नहीं होती। ट्रैफिक या जाम नहीं होता लेकिन उनको वसूली करना है, वसूली के लिए अपना 3 बार हटा गाड़ी था, ये करेंगे वो करेंगे कार्रवाई कितनी तक कार्रवाई करेंगे। हम एक बार बोलो हमको हमें गाड़ी लगा के जो हम पूरा गाड़ा लगा देते पुलिस स्टेशन में, जहाँ बोलेंगे वहाँ व्यवसाय बंद कर देंगे हमारा, हम बेरोजगार करके रहेंगे।
तुम बोलो तो आत्महत्या करेंगे हम, नहीं क्या तुम व्यवसाय नहीं करने देंगे तो। लेकिन गांव छोड़ के हम जाने वाले नहीं। हमारे गांव में बाहर के लोग आते हैं, बाहर के लोग पेट भरते हैं, लेकिन स्थानीय लोग ने पेट नहीं भरना क्या? स्थानीय लोग ने पेट नहीं भरना क्या? इनका गवर्नमेंट का कहना यही है कि स्थानीय लोग पेट मत भरो, बाहर से अधिकारी आएंगे, बाहर से सब आएंगे, वो अपना अपना पेट भरते, लेकिन स्थानीय लोगों ने पेट नहीं भरना, इनका यही समस्या है। सीपी साहब से दरखास्त है कि कृपया करके आप बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, तो यही निवेदन है एकता टेम्पो लोकल टेम्पो के तरफ से। धन्यवाद।